Hi everyone, welcome to our subject Digital Social Media Marketing. This is the lecture 35, the Contemporary Digital Revolution. So class, आज के लेक्चर में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है कि हम जिस तरह से मूव हमने किया है, जैसे हम एनालॉग टेक्नोलॉजीज से, और अगर हम बात करें जो भी हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज थी उनसे हम किधर की तरफ हम मूव कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तरफ. तो वही हमें पूरा रेवोल्यूशन हमें पढ़ना है कि किस किस ईयर में हमने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपकी आई और हमने डिजिटल की तरफ हम कैसे मूव करें. सो क्लास, सबसे पहले हमें ये जानना है कि बेसिकली डिजिटल रिवॉल्यूशन होता क्या है. व्हाट इज डिजिटल रिवॉल्यूशन? डिजिटल रिवॉल्यूशन रिफर्स टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइसेस टू अ डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल टूडे. यानी कि हम कैसे कह सकते हैं क्या कि हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइसेस से हम किस तरफ मूव करें हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तरफ. यानी कि आज के टाइम में हम देखें तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं क्लास. जैसे कि अगर हम एग्जांपल भी ले सकते हैं क्लास, अगर हम आज के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो स्मार्टफोन्स आपका किसका एग्जाम्पल है, वो है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज का. लेकिन अगर हम एनालॉग की बात करें, एनालॉग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम उस टाइम में हम क्या यूज़ करते थे, अगर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे लैंडलाइन फोन्स. और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्लास. हम पहले अगर हम और एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे हम ऑडियो टेप्स यूज़ किया करते थे हम अगर हम बात करें तो. लेकिन आज के टाइम में हम डिजिटल टेप्स यूज़ करते हैं. अगर वो किस पे वर्क करते हैं, आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं. सो क्लास, कहीं ना कहीं आज के टाइम में, आज के एरा में अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें आपकी सब कैसी हो चुकी हैं, वो एनालॉग से डिजिटलाइज हो चुकी हैं. जैसे कि अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स की, हम LEDs की, सब चीज़ें आपकी कैसी हो चुकी हैं, वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं. द एरा स्टार्टेड टू ड्यूरिंग द 1980s, यानी कि 1980 में ये आपका एरा इस तरह का स्टार्ट हो चुका था और अब तक वो चीज़ें आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस में है. डिजिटल रेवोल्यूशन ऑल्सो मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एरा. यानी कि कहीं ना कहीं इसको हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं, इस रेवोल्यूशन को, द बिगनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एरा. यानी कि किस चीज़ की बिगनिंग हो रही है, बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन की, आपके डेटा की. तो क्लास, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा बेसिकली क्या कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि हमारे पास ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट होके कहीं ना कहीं हमें वो किसमें, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर रहा है. यानी कि आपके सारे जो भी एनालॉग टेक्नोलॉजीज थी उसको किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है. जैसे क्लास आप देख सकते हैं कि कैसे हमने सारे हमने स्टेप्स देखे कि डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड कल्चर, उसमें जो हमने और इन्वॉल्वमेंट हमने किया वो क्या किया, स्टाफ एंड कस्टमर एंगेजमेंट. फिर हमने उसमें प्रोसेस और इनोवेशन हमने जोड़ा. फिर हमने कुछ टेक्नोलॉजी जोड़ी और उस पर जो हमने टेक्नोलॉजी हमने ऐड की उसमें कुछ हमने डेटा का एनालिटिक्स किया, डेटा को एनालाइज किया. तो इस तरह से सारी चीज़ें मिलके हमें किस तरफ मूव कराती हैं, हमें ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमें मूव कराती हैं. सो क्लास, हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया बेसिकली कि अगर हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज में हम एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और हम उसको किस तरफ मूव करके ले जा रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तरफ, तो हम उससे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ये डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है. और अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उससे हम और क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. क्या बोल सकते हैं हम इसे, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बेसिकली इट इज द एरा ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डेट स्टार्टेड अराउंड 1980s एंड स्टिल काउंटिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि ये जो एरा था किसका, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का. यानी कि कहीं ना कहीं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ हम करने लग गए थे. वो कब से आपका यूज़ होने लगा था, बेसिकली आपको 1980s से, और वो अब तक चलता जा रहा है. अच्छा, एक पॉइंट आपका यहाँ पे और आता है क्लास, क्या कि द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज स्टार्टेड विद वन फंडामेंटल आइडिया. कौन सा फंडामेंटल आइडिया, बेसिकली वो है आपका इंटरनेट. यानी कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, एडवांसमेंट की बात करें कि आप किस तरह से डेवलप कर रहे हो टेक्नोलॉजीज को डिजिटल की तरफ, तो उस फंडामेंटल आइडिया को हम बोल सकते हैं वो क्या है आपका, इंटरनेट. यानी कि कहीं ना कहीं हम किधर की तरफ हमने मूव किया, चीज़ें आपकी कैसे डेवलप हो रही हैं, किधर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, इंटरनेट की तरफ. सो क्लास, हमारे पास कुछ ईयर वाइज हमारे पास कुछ प्रोग्रेस है डिजिटल रेवोल्यूशन की, तो वो हम देख लेते हैं.
अगर हम क्लास स्टार्ट करें 1947 से, 1947 से 1979 में आपका क्या इंट्रोड्यूस हुआ था 1947 में? ट्रांजिस्टर, है ना। कहीं ना कहीं वो एक वे था, एक स्टार्टिंग थी किसकी, आपकी, किस चीज की डेवलपमेंट की, एडवांस एडवांस डिजिटल कंप्यूटर्स के। और ये एडवांस डिजिटल कंप्यूटर्स आपके कहीं ना कहीं कहाँ यूज होने लग गए थे, गवर्नमेंट, मिलिट्री एंड ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि वो कंप्यूटर सिस्टम आपके वहाँ पे यूज होने लग गए थे। और ये जो आपका ड्यूरेशन रहा था, ये रहा था आपका 1950 से 1960s तक। इस तरह से इस पे रिसर्च भी हुई। रिसर्च करने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब का क्रिएशन भी स्टार्ट होने लग गया। 1980s की अगर हम बात करें क्लास, 1980s में काफ़ी जो लोग थे वो कंप्यूटर से फेमिलियर होने लग गए। और एट द एंड, उस डिकेड के एंड में आते आते लोग फेमिलियर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो जॉब्स में भी उसकी नेसेसिटी हमें हो गई। और अगर हम सेलफोन्स की बात करें तो उसी डिकेड में आपके फर्स्ट सेलफोन भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। यानी कि अगर हम सेलफोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका इसी डिकेड में, यानी कि 1980s की बात कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट सेलफोन वहाँ उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। अब बात आती है 1990s में। 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोड्यूस किया गया। साथ साथ 1996 में जो इंटरनेट था वो आपका कहीं ना कहीं एक नॉर्मल पार्ट बन चुका, किसका, सारे बिजनेस ऑपरेशंस का। यानी कि 1996 में इंटरनेट जो था बहुत कॉमनली यूज होने लग गया, जो भी आपके बिजनेस थे, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस थी। इन द लेट 1990s द इंटरनेट बिकेम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन। यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनेट जो था आपका हर एक की लाइफ का के एक पार्ट बन चुका था और काफी लोग उसे यूज करने लग गए थे। 2000s की बात करें, 2000 में, इस डिकेड में क्या हुआ, द डिजिटल रिवोल्यूशन हैज बिगन टू स्प्रेड ऑल ओवर द डेवलपिंग वर्ल्ड। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो डिजिटल रेवोल्यूशन था वो आपका पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था और मोबाइल फोन्स वर कॉमनली सीन, और हर एक के हाथ में मोबाइल फोन्स हमें दिखाई देने लग गए थे। और जो इंटरनेट का अगर हम बात करें, जो इंटरनेट यूजर्स थे वो भी कहीं ना कहीं बल्क में ग्रो होने लग गया था। एंड टेलीविजन स्टार्टेड टू ट्रांजिशन फ्रॉम यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स। जो आपके टेलीविजन थे जो एनालॉग टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे थे, अब वो किसका यूज करने लगे थे, डिजिटल सिग्नल्स का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गए थे। नाउ कम टू द अनदर डिकेड। अगर हम 2010 या उससे आगे की बात करें, उनसे आगे ईयर्स की अगर हम बात करें, इसमें क्या हुआ था कि इंटरनेट मेक्स अप मोर देन 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि अगर हम बात करें तो 25%, जो 25% की अगर हम बात करें, जो 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कहीं ना कहीं वो इंटरनेट का यूज करने लग गई थी। और कहीं ना कहीं जो मोबाइल कम्युनिकेशन था वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका था। नियरली 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओन्स अ मोबाइल फोन। यानी कि अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स की, तो 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन्स उनके खुद का आ गया था। यानी कि अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट मोबाइल फोन 1980s में, अब अगर हम 2010 या उनसे आगे ईयर्स की अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन बहुत कॉमन हो गया था और 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन थी उनका, उसके पास खुद का अपना मोबाइल था। द कनेक्शन बिटवीन इंटरनेट वेबसाइट्स एंड मोबाइल गैजेट्स हैज बिकम अ स्टैंडर्ड इन कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के लिए, अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना था तो इंटरनेट वेबसाइट्स का यूज करके, मोबाइल गैजेट्स का यूज करके, इनके आपस में इनका कनेक्शन होके हम इजीली हम क्या कर पा रहे थे, कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो क्लास इस तरह से हमने ईयर वाइज अगर हम बात करें तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आपकी आई और उन टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम आगे मूव करते चले गए। कभी आपका ट्रांजिस्टर आया, कभी आपका सेलफोन आया, कभी वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, ये आपके टेलीविजन डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करने लगे। तो इस तरह से आपका डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ। सो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही जानना था बेसिकली, क्या कि आपका जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो किस तरह से आपका डेवलप हुआ। सो क्लास थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेक्चर।